स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल केशव जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग बिहार अमीन का एग्जाम दिए थे और पास कर चुके हैं 1767 पोस्ट हो या 40 पोस्ट हो, ठीक, तो आपका जो अगर काउंसलिंग होगा तो यहाँ पे काउंसलिंग के समय में आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है, अगर आप उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे तो वहाँ से काउंसलिंग से आपको वापस आना पड़ेगा, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के कारण काउंसलिंग से वापस न आए इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल के साथ पूरी लिस्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ। और कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि जो है मैट्रिक का जो है एडमिट कार्ड खो गया है तो मैं क्या करूं, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी पूरी बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे ध्यान से जो है सूची तैयार किया गया है, यहां पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्रों की सूची। यहां पर मैं आपको ध्यान पूर्वक देखना है, मैं आपको ध्यान से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपका जो रहना चाहिए इंटरमीडिएट 10+2 का जो है परीक्षा का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र रहना चाहिए, ठीक। ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए जो कि बोर्ड द्वारा जो है निर्गत किया जाना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है आपको मैट्रिक समक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं प्रवेश पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो, ठीक ना। आपके पास मान लीजिए मैट्रिक का अंक पत्र या प्रवेश पत्र खो गया है, तो प्रवेश पत्र अगर आपका खो गया है तो आपका जो है वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास वक्त है, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से किए हैं तो आपको बिहार बोर्ड ऑफिस जाना है, वहाँ से आपको जो है प्रवेश पत्र जो है अवेलेबल करा लेना है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा, कुछ जो है चार्ज है उसका, वो चार्ज और फॉर्म कुछ भरना पड़ता है, वहां पे जाके आपको पता करना, उसके बाद आपका जो है प्रवेश पत्र वहां मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ले जाना अनिवार्य है, अगर आप नहीं ले जा सकते तो वहां से आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा में है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बार डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि अंचलाधिकारी द्वारा जो है पहले बनता था, ठीक। तो पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास होगा तो वहाँ पर होगा कि अंचलाधिकारी, ठीक। लेकिन अगर आप न्यू वाला बनवाते हैं या न्यू वाला बना होगा तो वहाँ पर आपका RO लेवल से बना होगा, ठीक ना। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर पुराना वाला का नाम दिया गया है लेकिन अब चेंज कर दिया गया है, RO लेवल से बनता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन था कि सर अंचलाधिकारी से तो नहीं बनता आप CO लेवल से, अब तो RO लेवल से बनता है, तो क्या किया जाए। तो वहां पे आपका राजस्व अधिकारी लिखा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक। उसके बाद चरित प्रमाण पत्र। चरित प्रमाण पत्र में क्या है कि जिस स्थान से जो है अंतिम रूप से नामांकित हो, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 10+2 पास हैं, तो यहां पर क्या है कि 10+2 जिस कॉलेज से किए हैं वहां पर जो है आपको चरित प्रमाण पत्र दिया गया होगा, ठीक। अगर नहीं दिया गया होगा तो कॉलेज जाइएगा तो आपको फिर से दे देगा वहां पर, तो वो चरित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से कंप्लीट किए हैं वहां का चरित प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कि जिस अंतिम रूप जहां पे लिए हैं वहां का चरित प्रमाण पत्र वहां चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है पांचवा नंबर में आपका है आय प्रमाण पत्र, ठीक ना। आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक। आय प्रमाण पत्र जो है आपका होना चाहिए, न कि फादर का, ठीक। यहाँ पे स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा, यहाँ पे भी दिया गया है अंचलाधिकारी द्वारा, लेकिन अब जो है राजस्व द्वारा बनता है, तो राजस्व द्वारा ही आय प्रमाण पत्र चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास पुराना वाला है तो एक साल ही वैलिड रहता है, तो पुराना वाला यहाँ पर चलेगा नहीं, न्यू वाला आपको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा जो है किए जाने वाले आय परिमाणित प्रमाण पत्र, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका कहना है EWS सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र, जो अगर आप EWS में आते हैं जनरल में है तो आपका जो है स्थायी निवास के DM, SDM, CO द्वारा निर्गत, ठीक ना। तीनों यहाँ पे बता रहा है, तीनों में से किसी द्वारा निर्गत। अब मान लीजिए CO दिया गया तो अब CO से बनता नहीं है, अब राजस्व अधिकारी से बनता है, तो राजस्व अधिकारी का भी होना चाहिए, राजस्व अधिकारी है तो कुछ चलेगा। अगर आप SDM लेवल से बनाना चाहते तो वह भी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर DM लेवल का है तो कोई बात नहीं है, ठीक। मतलब तीनों में से कोई भी चलेगा, ठीक ना। अगर आपके पास RO लेवल है तो भी चलेगा, अगर आप SDM लेवल से बनवा लिए तो वो भी चलेगा, और DM लेवल से बनवा लिए तो वो भी चलेगा, ठीक। उसके बाद देखिए 7वां नंबर में कहा जाता है कि हाल में खींचा गया फोटो। फोटोग्राफी जो होना चाहिए आपका हाल में खींचा गया होना चाहिए, मतलब कि अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं आपका डेट निकल चुका है तो आप 2 दिन पहले फोटो खिंचवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका फोटो रख लेना है। फोटो का पीस यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन आपको 20 से 25 फोटो आपको ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद 8वां नंबर में कह रहा है बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी होने हैं तो आपको बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि अंचलाधिकारी यहाँ पर दिया गया लेकिन राजस्व अधिकारी द्वारा बना होना चाहिए, ठीक। सार्वजनिक निबंधन प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता पिता बिहार सरकार के कर्मी हैं। अगर आपके पिताजी या माताजी बिहार सरकार में जॉब करते तो उसका जो है प्रमाण पत्र बनता है, वो प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए या आशय के प्रमाण पत्र आवेदक माता पिता भारत सरकार के कर्मी है एवं बिहार के पदस्थापित या भारत सरकार के उपक्रम के लिए जो है बिहार में कार्यरत है, ठीक। उसके बाद देखिए
दिया गया है। उसके बाद जो है आप नीचे आइएगा, तो नीचे आने के बाद क्या, 9 नंबर में एक स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, ठीक, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थी किस प्रकार का संबंध है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी चाहते हैं तो वो प्रमाण पत्र आपको चाहिए, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्माण चाहिए, ठीक। उसके बाद 10 नंबर में संविदा पर नियोजन अमीन के अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास संविदा पर नियोजन अमीन का अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो आप लगाए थे तो वो आपका चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए नियमित पदाधिकारी के अनुशंसा आधार पर समर्थता द्वारा निर्गत परिष्ठ के 2 पत्र के अनुसार होना चाहिए, ठीक। सर्विस मैन कोटा का प्रमाण पत्र है तो समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। दिव्यांग कोटा में अगर आप लोग आते हैं मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक। इतना प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ठीक। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना भी आप प्रमाण पत्र यहाँ पे देख रहे हैं सारा का लिस्ट का जो है स्क्रीनशॉट आपको लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि बिहार अमीन 1767 पोस्ट का एक ग्रुप है, वहाँ पर आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप जितना भी प्रमाण पत्र ले जा रहे हैं सारा का 2 फोटो कॉपी रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि आपको 2 फोटोकॉपी चाहिए, लेकिन रख लीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है वहाँ पे मांगा जाए फोटोकॉपी, तो आपको 2 फोटोकॉपी हर एक प्रमाण पत्र का रख लेना है, ठीक। तो यही कुछ लेटेस्ट अपडेट थी, लेटेस्ट जानकारी आपको दे दिए। अगर आप लोग काउंसलिंग में जाते हैं तो आप वापस नहीं आइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉमेंट करना ना भूलें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।